1.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा दिया था कल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यू दे रखा है एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सेट ए बराबर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। बी और सी, ए और बी करा रहे हो, सी और डी तुम खुद करोगे। निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है वेक्टर सेट ए और सेट बी का पूरक। क्या निकालना है? पूरक निकालना है। हाँ, ए का पूरक, बी का पूरक, ठीक है ना। तो ए का पूरक, ए का पूरक मतलब ए डैश बराबर यू माइनस ए, यू माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ए को माइनस कर देंगे तो ए बी सी, ए बी सी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? डी ई एफ जी एच। ऐसे बी का पूरक, बी का पूरक बी डैश बराबर यूनिवर्सल माइनस बी, बी को माइनस कर दो, देखो डी सी एफ जी है, डी सी एफ जी माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए बी ई एच, ई एच। क्लियर है? ठीक। तो पूरक निकालने के लिए यूनिवर्सल में से हमेशा वो मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वाधिक समुच्चय मानते हुए, यूनिवर्सल सेट क्या हमारा? प्राकृतिक समुच्चय। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यूनिवर्सल सेट क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में सारे होंगे, सम भी होंगे और विषम भी होंगे। तो फर्स्ट है, फर्स्ट को निकालना है, x एक प्राकृतिक सम संख्या है, x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है। मतलब इसको हम ए सेट मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं? ए सेट। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? ए का पूरक ए डैश इक्वल टू क्या जाएगा? यू माइनस ए। यू में से अगर ए को माइनस करते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में से अगर प्राकृतिक सम संख्या को अगर माइनस करेंगे तो सारे सम संख्या माइनस हो जाएंगे। तो ए क्या बचेगा? एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। क्या बचेगा? विषम संख्या बचेगा। क्लियर है? ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह और डॉट डॉट करके छोड़ दो। क्लियर है? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। ये क्वेश्चन एक है सर पूरा। हाँ, इसका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट है, एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो इसका पूरा क्या जाएगा? यू माइनस ए और ये जाएगा एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या। क्या बचेगा? सम संख्या बचेगा, क्योंकि विषम संख्या दे रखा है। तो प्राकृतिक संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो सम संख्या। अच्छा, नेक्स्ट है, एक्स सच डेट तीन का एक धन गुणज। इसका थर्ड, पहले सेट बना लो, ए सेट बराबर मान लो एक्स सच डेट एक्स तीन का एक गुणज है, धन गुणज है। देखो ए बराबर क्या जाएगा? तीन छ नौ बारह, ऐसे ही डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसका ए डैश क्या जाएगा? प्राकृतिक संख्या में से तीन छ नौ बारह को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या बचेगा? एक दो चार पाँच सात आठ दस, ऐसे ही डॉट डॉट कर दो। इसका फोर्थ पार्ट, एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या, एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या।
ए है, एक्स उस डेट एक्स एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या जाएगा, ये दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह डॉट डॉट, ठीक ना। तो ए डैश क्या जाएगा, इन संख्या को क्या कर देंगे, अभाज्य संख्या को घटा देंगे, अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक चार छ फिर आठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह और इसी तरीके से फिर पार्ट एक और पार्ट कराऊंगा, फिर खुद सारे खुद करोगे। तो x अज़र पाँच से विभाज्य होने वाली एक संख्या, यहाँ पे ए साइड दे रखा है x अज़र x पाँच से विभाज्य एक संख्या, पाँच से विभाज्य एक संख्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा पाँच दस पंद्रह बीस डॉट डॉट, ठीक ना। तो इसका a ट्रांसपोज क्या जाएगा, यूनिवर्सल माइनस a, तो ये बचेगा हमारा a वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन ऐसे ही डॉट डॉट, क्लियर है। अभाज्य संख्या है, कटेगा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, यदि u बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन है, a बराबर है दो चार छ आठ और b बराबर है दो तीन पाँच और, ठीक ना। तो हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए, फर्स्ट a यूनियन b का पूरक a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सेकेंड प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो सबसे पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं a यूनियन b, तो a और b का अगर यूनियन करेंगे तो दो इसमें दोनों में कॉमन है, दो चार इनमें नहीं है, तीन भी नहीं है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, सात और आठ, अरे वो समझे, इन दोनों को हमने कंबाइन किया मतलब यूनियन निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b, यूनिवर्सल में से क्या करेंगे a यूनियन b को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल में से a यूनियन माइनस करो तो क्या बचेगा वन एंड नाइन, क्या बचेगा वन एंड नाइन। सेम यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो a का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या जाएगा यूनियन माइनस a, मतलब यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल में से a को माइनस कर दो, दो चार छः आठ घटेगा तो क्या बचेगा एक तीन पाँच सात नौ, ठीक है। अच्छा b का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा यूनिवर्सल माइनस b, यूनिवर्सल सेट में से b सेट को क्या कर दो माइनस कर दो,
तो यूनिवर्सल में से अगर बी को माइनस कर रहे, इसको माइनस करो इसमें से, दो तीन पाँच सात माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चा, एक चार छः आठ और नौ, ठीक है। अच्छा अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, एक इसमें भी, इसमें भी है, नौ इसमें है, नौ इसमें भी है, तो एक कॉमा नौ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमा नौ, इसमें भी कितना आ रहा है, एक कॉमा नौ, तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। अच्छा सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, देखो इंटरसेक्शन क्या है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल में से ऑनली क्या करो, टू को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा हमने, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, सॉरी यूनियन निकाल दो, इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो वन कॉमन है, एक बार आएगा तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, क्लियर है। तो देखो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, सेम है, एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये दोनों आपस में बराबर इसलिए कर जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इति सिद्धम, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख कीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और थर्ड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अभी क्वेश्चन में फोर्थ करा था हमने, क्वेश्चन में फोर्थ में दोनों को हमने बराबर दिखाया, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का वेन डायग्राम एक होगा और इन दोनों का वेन डायग्राम एक होगा, क्लियर है। तो देखो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दो वेन डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक। इसमें इस आयत में एक से लेके नौ तक के अंक होंगे और इसी के अंदर दो सेट है ए और बी, तो ए सेट हो गया, ये हो गया हमारा बी सेट, ठीक है ना। इन दोनों का कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, टू, तो इसका कॉमन एलिमेंट आ जाएगा दो, जहाँ पे दोनों गोला एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ये टू हो जाएगा। ए का एलिमेंट फोर सिक्स और एट और बी का एलिमेंट थ्री फाइव और सेवन और बचा कितना, वन एंड नाइन, क्या बचा, वन एंड नाइन। क्वेश्चन फोर्थ में जो दे रखा है उसी का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इतना पूरा आ जाएगा ए यूनियन
बी, इतना पूरा क्या जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इतने एलिमेंट को क्या कर देंगे हम सब माइनस, मतलब इस पूरे एरिया में से इतना एरिया क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, इतना एरिया बचेगा ना ये बाहर वाला, इसको पेंसिल से क्या कर दो, शेड कर दो, पेंसिल से क्या कर दो, शेड कर दो, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड का वेन डायग्राम ये बना। हाँ सर, दो ही आएगा ना इसमें, ठीक है, क्लियर है, दो ही एलिमेंट आएगा, एक नौ आएगा, एक नौ और एक क्या आएगा, एक, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट सेकंड और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ का जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो बनेगा सेम, एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट, इसमें सेम ए और बी, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट 2, 4, 6, 3, 5, 7 और इसका 8, 1 and 9 कहीं भी लिख दो 1 and 9 आयत में। अब देखो इसमें से इसका इंटरसेक्शन ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये जो ए इंटरसेक्शन बी, क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और है नहीं ना ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये माना क्या जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इसमें क्या है एलिमेंट टू है, कितना है दो, तो ये माना इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इतने पार्ट को छोड़ के जो दोनों का कॉमन पार्ट है, इतनों को छोड़ के बाकी जो बचा ये जो पूरा पार्ट बचेगा यह जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे बस में मतलब कॉम्प्लीमेंट में से इतना क्या कर देंगे, पूरे में से इतना माइनस करके जितना एरिया पूरा बचेगा वो क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का, और यही हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हैं फाई आ जाता नहीं को इंटरसेक्ट करता, तो वहाँ पे गोला बनता है, ऐसे ऐसे गोला बनता अलग अलग, ठीक है क्लियर है, शेड करना है उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि किसी समतल में ऐसे सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, मतलब किसी समतल पे जितने भी हम त्रिभुज बना रहे हैं वो सारे त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो क्या है, U है, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें संपूर्ण त्रिभुज भी आएगा, समबाहु भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, न्यून कोण त्रिभुज भी आएगा, अधिक कोण त्रिभुज भी आएगा, सब आएगा, ठीक ना। तो कह रहे कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब ए एक त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें त्रिभुज का जो एक कोण है वो 60 डिग्री से क्या होगा, भिन्न होगा, मतलब 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ए डैश क्या है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब जो ए साइड दे रखा है, ए साइड में कोई भी 60 डिग्री वाला त्रिभुज नहीं है, 60 डिग्री कोण वाला त्रिभुज नहीं है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, 60 डिग्री वाला त्रिभुज होगा, मतलब समकोण त्रिभुजों का सॉरी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, तो ए डैश के लिखेंगे समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन 7 देखो, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, तो क्या आएगा, फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश, थर्ड है फाई का इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू ए, और फोर्थ है यू का
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो इसमें बताना है किसके बराबर किसके बराबर होगा। देखो ए और ए डैश, ए और ए डैश का जब हम कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन निकाल सॉरी यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। जब ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई। मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो रिक्त समुच्चय जाएगा। अच्छा फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने से पहले बताया था फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। तो यू और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ यू, ए इज सबसेट ऑफ यू। सबसेट में जब भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसेट आएगा। क्लियर है? तो फाई का इंटरसेक्शन सॉरी फाई का कॉम्प्लीमेंट यू हो जाएगा, यू और ए का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट है यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। तो ये फाई और ए का इंटरसेक्शन, फाई फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या जाएगा, फाई। रिक्त समुच्चय क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 फिनिश।